गुड मॉर्निंग, बजा है दोपहर का 12:30, लेकिन ब्रेकफास्ट या ब्रंच मेरे बन रहा है। ये है सैंडविच जिसकी ये कैप्सिकम और मैंने ग्रीन वो जो स्टेम होता है ना धनिया का, वो कट करके डाला है सॉटे करने के लिए। सैंडविच कम पसंद है, पाउडर मेरे से खा लेते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा कोको लगाएंगे डर के लिए। हमारी सैंडविच की चटनी और ये कुकुम्बर और अनियंस और साथ में चीज भी लगेगा। चलिए बनाते हैं। फिर ये बटर लगा लिया है मैंने, इसके बाद हम लगाएंगे थोड़ा सा चटनी। ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये रही चटनी, थोड़ी स्पाइसी है, बच्चों को मैं कम ही लगाएं। एंड देन कुकुम्बर्स, लेटस है तो लेटस भी लगा सकते हैं, बट लेटस में मज़ा है नहीं। थोड़ा सा अनियन लाइक दिस ऐसे, और ये चीज, और ये मेरा पनीरी है जिसमें ये सब रखा जाएगा। सो जस्ट अ मिनट, और ये मेरा कैप्सिकम है जो थोड़ा सा डालेंगे। बच्चों को तो सब्जियों से प्रॉब्लम ही है, बट खिलाना तो है ही, तो डालना तो पड़ेगा ही। ये पनीरी ने मैं किया सैंडविच, ये देखिए मैंने चीज़ भी लगा दिया था इसमें। देन लाइक दिस बटर भी लगाया हुआ है, ये रेडी हो जाएगा। लाइक हमारा अभी और भी सैंडविच सेट कर लेते हैं, हमारा सैंडविच रेडी है। और जल्दी से सैंडविच खा के हम लोगों को एक घर देखने जाना था, क्योंकि हम लोग थोड़ा बड़ा घर देखना चाहते थे, तो ये हमने स्लॉट लिया था। स्प्लिट साइज टाइप का ये घर था, स्प्लिट टाइप घर वैसे होते हैं जिसमें एक ही फ्लोर पे किचन, बेडरूम्स और हॉल रहता है, और एक नीचे बेसमेंट रहता है जहाँ पे एक्स्ट्रा रूम रहता है, वो उसमें आप पार्टी कर सकते हैं। जैसे इसमें एक एक्स्ट्रा रूम भी था नीचे, और जेकोजी भी था। जेकोजी मीन्स यहाँ पे जो हीटेड पूल रहते हैं, पूल इट्स अ सॉर्ट ऑफ नॉट अ पूल, कह सकते हैं बाथटब जैसा था। ये मास्टर बेडरूम था, और इसके देखिए मास्टर बेडरूम के बाहर से यार्ड भी दिखा, इनका यार्ड भी बहुत अच्छा था। तो इसके बाद हम लोगों को जल्दी से घर भी वापस जाना था, क्योंकि स्कूल खुलने वाले जैसे मैंने बताया, तो सारा सामान जो था वो हमें अनपैक करना था, बच्चों के लिए रखना था। स्कूल है, सितंबर आ गया है, तो यहाँ पे शुरू हो चुका है स्कूल्स के खुलने का नंबर। तो ये देखिए, ये हम लोग वहाँ से कॉस्को भी गए थे, तो वहाँ से ग्रॉसरी भी थोड़ी रख दी गई, थोड़ी वाटरमेलन पड़ा रो रहा है, और वहाँ पे स्नैक्स भी थे बहुत सारे बच्चों ने खा लिए, बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये सारे बैग्स यहाँ पे पब्लिक स्कूल्स में मिलते हैं, जैसे ये पेंसिल्स, ये रबर, स्केल, ये फाइल कवर्स, एंड देन बैग्स भी। एंड देन ये देखिए, यहाँ पे इतने सारे बैग्स मिले थे बच्चों को, और हर बैग में देयर इज समथिंग, जैसे स्केल है। तो मेरे दो बच्चे हैं, तो दोनों का सामान मिला है मुझे इसमें। इसका मैं दिखाते हैं आपको, जैसे ये, ओह माय गॉड, ये बुक है, एक्टिविटी बुक बच्चों की, ये एक्टिविटी बुक है। काफ़ी और भी बुक्स थी जो मैंने अभी इस बैग में रख दिए, नहीं तो ये देखिए एक और बैग, बहुत सारे बैग्स मिलते हैं यहाँ पे सैक टाइप। तो ये वाटरप्रूफ बैग्स रहते हैं, दे आर रियली गुड। और फिर ये बुकमार्क, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चों को स्कूल्स में लगती हैं वो सब मिलता है। ये देखिए ये बैग, ये जिप लॉक, ये इसमें और भी ज़्यादा स्नैक हैं, ये स्नैक। तो उसके बाद ये एप्पल भी वहाँ पे मिल रहे थे, बच्चों को हेल्दी खाना चाहिए, मे बी अ सॉर्ट ऑफ प्रमोशन। तो सब था, ये चॉकलेट्स, राइस क्रिस्पीज। यहाँ पे टाइमिंग बहुत लंबा रहता है बच्चों के स्कूल का, तो जनरली दो ब्रेक्स होते हैं, लंच और
स्नैक दो रहता है तो सब बच्चों को दिया जाता है। वैसे अब तो जब से कोविड हुआ है तो यहाँ पे ये शुरू हो गया है कि 2 साल से एटलीस्ट 2 साल लास्ट टू लास्ट ईयर तो हाइब्रिड उन्होंने चॉइस किया था कि जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है नहीं आए। लेकिन अब ये देखिए, ये पेंसिल, ये मार्कर, सारी चीज़ें, चॉकलेट्स, ये सारी न्यूट्रीग्रेंट्स हैं। तो ये प्रोटीन बार्स टाइप रहती हैं और काफ़ी फिलिंग रहती है, तो यहाँ बच्चे बहुत खाते हैं। ये इनके बुक मार्क्स, ये कलर्स, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, ये वाटर कलर आई गेस, ये वाटर कलर है शायद। वैसे स्टॉल्स थे वहाँ पर छोटे छोटे सब बच्चों को मिलता है ये कार्ड। तो हाँ, तो वो जो टिफ़िन बॉक्सेस होते हैं तो बच्चों को लंच और ब्रेकफास्ट दोनों गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। पहले इट वॉज़ लाइक पेड कि आप कैंटीन होती थी, जैसे हम लोग इंडिया में पे करते हैं कैंटीन होती है, स्कूल्स में वैसे ही होता था। लेकिन अब गवर्नमेंट देती है यहाँ पे पहला वाला, आपको कुछ पे नहीं करना, बट अगर बच्चों को और चाहिए सेकेंड मील तो उसके लिए पे करना पड़ता है। बट हम लोग वेजिटेरियंस हैं तो हमारे ऑप्शंस वैसे ही कम हो जाते हैं, और मेरे बच्चों को थोड़ा कम पसंद है वहाँ का खाना, तो मुझे तो टिफिन बनाना ही पड़ता है। ये बात है, इसलिए देखिए ये यहाँ पर नोटबुक्स भी देते हैं लोग, ये नोटबुक्स लाइक दिस तो उनके काम आते हैं। देखिए मैंने बंच बनाया हुआ, मास्क भी थे, ये देखिए मास्क भी थे, ये क्लोथ मास्क थे तो ये आप वॉशेबल भी रहते हैं। और इसके बाद फोल्डर्स, ये सारे फोल्डर्स रहते हैं, ये देखिए फोल्डर्स। मैंने सोचा कि सब खोल के सब एक साथ एक्युमुलेट कर लें, स्केल्स बहुत सारे स्कूल्स में ये लोग स्टार्टिंग में यहाँ पे मांगते हैं वो उनको क्या चाहिए। ये रबर, ये शार्पनर, ये ग्रिपर होता है। यहाँ पे लोगों की ग्रिप बहुत अजीब तरीके से रहती, लाइक वो ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, मतलब हमारी तरह नहीं, यहाँ के हैंड राइटिंग इसीलिए अच्छे नहीं होते, तो ये ग्रिपर जनरली जिससे बच्चे अच्छे से ग्रिप कर सकें इसके लिए भी रहता है। ये शार्पनर है, रबर है, ये से बैंड है जस्ट फॉर स्टाइल। और मैं चाय पीने के बाद जा रही हूँ अब सोने, चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय।